सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, क्यों जानते हो? अरे भाई, मैं तुम लोगों को मोटिवेशन देता हूँ। अगर मैं मोटिवेटेड ना रहूँ तो तुम लोगों को कैसे मोटिवेशन दूंगा मैं? तो मैं थोड़ा अपने गुरु से मोटिवेशन ले रहा था, तो चलिए आज आपको मोटिवेटेड कर देते हैं एक स्टोरी सुना के। तो वीडियो को एंड तक देखना और मज़ा आए तो कमेंट करना। चलिए शुरू करते हैं। अरे एक बार क्या होता है जानते हो? तुम कैसे जानोगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरे लाइफ की क्या वैल्यू है? तभी पापा ने मुड़कर कहा, अगर तुम सच में ज़िंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का अगले सुबह मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी दो उंगली सीधी सीधी खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोलने लगी कि 200 रुपये, ठीक है इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूँगी। वो बच्चा एकदम से शॉक हो गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये कैसे, जो कि पत्थर जनरली कहीं पे भी मिल जाते हैं, फिर उसका प्राइस 200 रुपये। वो तुरंत फिर अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेके जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र पत्थर पे पड़ी और वो उस पत्थर का प्राइस पूछने लगा। तो उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। फिर वो म्यूजियम वाला बोला कि क्या सच में इसका प्राइस 2 लाख है? वो बच्चा फिर से शॉक हो गया कि वो बोली 200 रुपये, ये आज बोल रहा 2 लाख, क्या हो क्या रहा है? फिर तुरंत वो अपने पापा के पास गया और अपने पापा से बोला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो उसके पापा ने कहा, अब तो मैं अपनी ज़िंदगी की वैल्यू समझ में आई। तुम्हारा जहाँ कद है वहाँ पे तुम अपना पैर रखना चाहिए। तुम जहाँ पे जिस जगह के लिए बने हो तुम्हें वहीं पे सेट हो जाना है। और पापा मम्मी तो बोलेंगे ही, उनका तो बोलना है। तुम अगर एक दिन स्टार्ट करो एक चीज़ और उसमें सक्सेस हासिल कर लो ना, तो पापा मम्मी के मुंह में एल लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देखते रहिए द मोटिव को। मैं लौटूंगा और एक सकारात्मक सोच के साथ।